जमुई में आग लगने से 60 लाख का कपड़ा सहित अन्य सामान जलकर हुआ खाक। शॉर्ट सर्किट से शालीमार वस्त्रालय दुकान में लगी आग, दो दमकल के आने के बाद स्थानीय लोगों की मदद से आग पर पाया गया काबू। जमुई के शहर महाराजगंज बाजार स्थित शालीमार वस्त्रालय की दुकान में बुधवार की अहले सुबह अचानक आग लग गई, जिससे दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। आग की लपटें इतनी तेज थी कि देखते ही देखते आग व्यापक रूप इख्तियार कर ली गई और पूरे दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। गनीमत रही कि आग दुकान के बाहर फैलने से पहले ही मौके पर पहुंची अग्निशमन वाहन द्वारा स्थानीय लोगों के सहयोग से आग पर काबू पा लिया गया। इस वहवाह आग पर कुछ देर अगर काबू नहीं पाया जाता तो शायद बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता था, जिसके चपेट में कई दुकानें व घर आ सकते थे। शालीमार वस्त्रालय के मालिक बालदेव भगत ने बताया कि दीपावली पर्व को लेकर मंगलवार को दुकान में रंग रोगन का कार्य किया गया था। सभी परिवार दुकान के ऊपर अपने घर में थे। आग लगने की सूचना उन्हें पड़ोसियों द्वारा दी गई थी। उन्होंने बताया कि शॉर्ट सर्किट से दुकान के गद्दे में आग पकड़ी, जब तक लोगों द्वारा आग पर काबू पाया जाता तब तक पूरी दुकान में आग फैल गई थी। उन्होंने बताया कि तकरीबन 60 लाख का कपड़ा सहित दुकान का फर्नीचर व अन्य सामान जलकर खाक हो गया। इधर आग लगने की वजह से पीड़ित दुकानदार सदमे में है। जमुई से मोहम्मद अंजुम आलम की रिपोर्ट। जीतन राम मांझी चुने गए हम विधायक दल के नेता। एनडीए की सहयोगी पार्टी हमने आज बैठक कर जीतन राम मांझी को अपना नेता चुन लिया। मीडिया से बात करते हुए मांझी ने कहा कि मैं पहले मुख्यमंत्री रह चुका हूं, इसलिए मैं मंत्री पद स्वीकार नहीं करूंगा। पहले कुछ लोगों ने ऐसा किया है कि वो सीएम के बाद मंत्री के पद पर रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। उन्होंने बताया कि हमारी पार्टी के किसी एक नेता को मंत्री पद दिया जाएगा। मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण को लेकर जीतन राम मांझी ने कहा कि इसका फैसला मुख्यमंत्री ही करेंगे। बता दें आज मांझी ने अपने तीनों विधायकों संग नीतीश कुमार से मुलाकात भी की है, वहीं जदयू विधायक दल की भी बैठक बुलाई गई है। पटना से डीके तिवारी की रिपोर्ट। अलीगढ़ में 3 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म की घटना के खिलाफ सपा का धरना। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष तेजपाल प्रमुख के नेतृत्व में एकत्रित महिला एवं पुरुष कार्यकर्ताओं ने तहसील चौराहे पर पहुंचकर जहां प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, तो वहीं राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन जिला अधिकारी के माध्यम से भेजने के लिए सौंपा। इस दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जहां प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे थे, प्रदेश में कानून व्यवस्था ठप हो रही है, बहन बेटी की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे। इस अवसर पर हमारे संवाददाता दीपक कश्यप से बात करते हुए समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष तेजपाल प्रमुख ने कहा कि प्रदेश में दुष्कर्म की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। अभी अलीगढ़ में एक 3 वर्षीय मासूम के साथ 10 दिन की घटना को अंजाम दे हत्या कर दी गई, जो निंदनीय है। वे सरकार से मांग करते हैं कि तत्काल आरोपियों को गिरफ्तार कर दोषियों को फांसी की सजा दे तथा नैतिकता के आधार पर प्रदेश में अपराध पर नियंत्रण पाने में असक्षम होने की स्थिति के कारण इस्तीफा देकर प्रदेश के मुखिया को मार्च में चला जाना चाहिए। उन्होंने आगे बोलते हुए कहा कि प्रदेश के मुखिया जब प्रदेश में अपराधियों को शरण दे रहा है तो फिर अपराध पर लगाम लगना नामुमकिन है, इसलिए नैतिकता के आधार पर प्रदेश के मुखिया को खुद को दोषी मानते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। मेरठ से मुदस्सिर अली की रिपोर्ट। बुलंदशहर में बदमाशों के हौसले बुलंद, दिन निकलते ही गोली मारकर युवक की हत्या। बुलंदशहर में गोली मारकर युवक की हत्या। हमलावरों ने सुबह मृतक के घर के दरवाजे पर आकर दिया घटना को अंजाम। हमलावरों ने सुबह मृतक के घर आकर खटखटाया था दरवाजा खोलने पर मृतक को गोली मारकर फरार। घटना से मृतक के परिजनों में मचा कोहराम। सीओ समेत भारी पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद। पंचायत नामा की कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव। सिकंदराबाद कोतावली क्षेत्र के खतरीवाड़ा की घटना। बुलंदशहर से मुदस्सिर अली की रिपोर्ट। धनतेरस पर खरगोन में कई कार्यक्रम। धनतेरस के मौके पर पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन हर साल कोई ना कोई ऐसी पहल करती है जो समाज के लिए विशेष संदेश देती है। इस बार ताई ने इंदौर में तुलसी के पौधे की महत्ता बताते हुए रजवाड़ा स्थित उद्यान परिसर में तुलसी के पौधों का रोपण किया। ताई सुमित्रा महाजन ने जनप्रतिनिधियों को तुलसी के पौधों का वितरण कर आम लोगों से अधिक संख्या में तुलसी के पौधे लगाने की अपील की। मीडिया से चर्चा में ताई ने बताया कि उन्होंने शहर के सभी जनप्रतिनिधियों को पौधा रोपने की जिम्मेदारी सौंपी है, क्योंकि तुलसी का पौधा हर महीने में उपयोगी होने के साथ स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायी होता है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी तो पूर्व लोकसभा स्पीकर
संघर्ष मित्रा महाजन ने सबसे पहले झाड़ू उठाकर धर्मस्थलों की सफाई का अभियान शुरू किया था, जिसके परिणाम स्वरूप शहर में सफाई अभियान की महत्ता समझी और शहर लगातार 4 बार स्वच्छता का सिमरोर बन चुका है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने के लिए वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने की अपील देशवासियों से की थी। इसी कड़ी में इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने अनूठी पहल करते हुए अपनी ओर से फुटकर विक्रेताओं की दीपावलियों को खुशियों से भरपूर बनाने का संदेश दिया है। पर्व के मद्देनजर इंदौर में सांसद ने वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए रजवाड़ा पर फुटकर विक्रेताओं से खरीदारी की। सांसद ने खरीदारी के जरिए फुटकर विक्रेताओं का हौसला बढ़ाया। वहीं जनप्रतिनिधियों को देखकर आम लोगों ने भी फुटकर विक्रेताओं से ही खरीदारी का फैसला लिया। इस दौरान सांसद लालवानी ने रजवाड़ा क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित करने की अनुशंसा कि ताकि त्योहारी सीजन में फुटकर व्यापारी भी सुचारू रूप से व्यापार व्यवसाय कर सके। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण की वजह से पहले ही व्यापार व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित हो चुका है। अब त्योहारी सीजन में व्यापार में बढ़ोतरी ने लोगों की उम्मीद एक बार फिर बांध दी है। खरगोन मध्य प्रदेश से जाहिद अजमेरी की रिपोर्ट।